क्लास 8 इंग्लिश पढ़ने ध्यान देंगे। आज के आपके टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3, जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है। हेडिंग में देख सकते हैं, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट को चेक भी करना है, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको चेक भी करना है। तो जैसे इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में से इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन सेम है, जिसमें से देखें पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 3x इक्वल 2x प्लस 18। जैसा मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले लाइक टर्म्स को अलग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, x वाले जो टर्म है लाइक टर्म्स है, तो इसको आप अलग कर लेंगे। 2x जो ये कुछ नहीं है यानी प्लस में, तो ये 3x के पास लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में अब अपने पास क्या बचेगा, प्लस का 18 है तो वही 18 बचेगा। अब जैसा आप ये देख सकते हैं, प्लस में 2x था तो माइनस में आ गया। अब माइनस कर लेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएंगे 1x। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं, 1x इक्वल्स 18 हो गया। अब x इक्वल्स 18 मल्टीप्लाई में 1 था तो डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स अपना आंसर होगा x की वैल्यू 18। अब जैसा आपको क्वेश्चन में बोला था कि सॉल्व द फॉलोइंग, एक तो आपको ये सॉल्व करना था और अपने रिजल्ट को चेक भी करना था, तो अब इसका चेक करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो एक्स की जगह पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू रखेंगे वेरिएबल की। इक्वेशन था 3x इक्वल्स 2x प्लस 18, यहाँ पर आपको एक्स की जगह पे पुट करनी है 18 वैल्यू, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स 18। तो 3 इंटू एक्स की जगह अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, पता है कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है बीच में, तो 3 और एक्स किस में मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हो गई इसकी वैल्यू। फिर इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू होगी यानी 18 प्लस 18 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 3, 18 थ्री ज़ा 54, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 2 तो 36 प्लस 18 का 18। अब दोनों मल्टीप्लस कर लेंगे तो यहाँ 54 इक्वल्स हो जाएगा 54 के। तो इस तरह से दोनों तरफ एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस यानी राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो इक्वल होंगे। इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो दे रखा है 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, ये दे रखा है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, तो यहाँ 4z है, z के पास में z लेके आएंगे तो देख सकते हैं ये प्लस में z 2z था, चेंज करेंगे तो किसमें होगा माइनस में 2z। अब यहाँ प्लस 3 रह जाएगा और इक्वल टू में 6 है, क्योंकि 2z यहाँ लेके आ गए माइनस में, तो अपने पास 6 बचेगा, बाकी एज इट इज लिख दिया। अब माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2z प्लस 3 इक्वल्स हो जाएगा 6। अब जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 प्लस में है तो इसको 6 के पास यानी नंबर के पास लेके जाएंगे तो माइनस में 3 होंगे और यहाँ अपना जो है वो हो जाएगा 2z। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो अपना आंसर होगा 3 और इक्वल्स में हो जाएगा 2z, तो z इक्वल्स हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 2 था तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा यानी अपनी जो z की वैल्यू होगी वो होगी 3/2। अब जैसा आप देख सकते हैं, इसमें वेरिफिकेशन करना था, तो जो इक्वेशन है वो क्या था अपना, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, तो x की जो भी इसमें z की वैल्यू आई वो पुट करेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 3/2, 3/2 इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, 4 इंटू z की जगह पे z की वैल्यू होगी 3/2 प्लस 3 इक्वल्स में 6 प्लस 2 इंटू z की जगह पे हो जाएगा 3/2।
अब जैसा आप देख सकते हैं, अब लिखा था हमने 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो सकता है, इसी तरह से 2 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, तो अपना ऊपर जो आंसर बचेगा वो होगा 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ 1 टाइम ही गया तो यानी 1 3 जा 3 हो गए। तो दोनों साइड में ऐड करेंगे 6 प्लस 3 9, और इधर भी हो जाएगा 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से आंसर इक्वल मिलेंगे। आगे है इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6 देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। अब जैसा यहाँ देख सकते हैं, इसको भी वैसे ही करना है सॉल्व। पहले ब्रैकेट होता है तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे, यानी 8x + 4 अपनी जगह पे होगा। अब पहले ही ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 3 × x हो जाएगा 3x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाती है। ब्रैकेट के बाहर कभी भी नंबर जो होता है वो जितने भी ब्रैकेट में नंबर है उन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसा ये देख सकते हैं, ये 3 है ब्रैकेट के बाहर, तो जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है वो उनसे सबसे मल्टीप्लाई होता है। यानी पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर माइनस था तो माइनस, इसी तरह से 3 को 1 से करेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो अब जैसा देख सकते हैं 8x + 4 यहाँ है, अब यहाँ ये दोनों पहले सॉल्व हो जाएंगे तो इक्वल्स में 3x, अब माइनस प्लस माइनस कर लेंगे तो 4, 7 - 3 करेंगे तो अपना आंसर होगा 4, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का 4। अब इसको नॉर्मली वही आपको चेंज करना है, 8x लाइक टर्म चेंज करेंगे, लाइक के पास में यानी x के पास में 3x चेंज करेंगे तो जाएगा प्लस में, था कुछ नहीं है तो कहाँ जाएगा माइनस में। आगे प्लस 4 यहाँ पड़ा है तो प्लस 4 इक्वल्स में यहाँ प्लस 4 बचेगा, 8 - 3 कर लेंगे 5x = 4। अब प्लस में ये 4 है कहाँ जाएगा माइनस, तो 4 - 4 हो जाएगा 0 और यहाँ 5x, अब x इक्वल्स होगा 0, 5 ही मल्टीप्लाई में था तो जाएगा डिवाइड में, 5 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगी वैल्यू, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर होगा 0, यानी 0/5 अपने पास वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है, ये आपको वेरीफाई करना है वैल्यू रख के। वेरिफिकेशन जैसा देख सकते हैं, 8x + 4 = 3 (x - 1 + 7) है। अब क्या करना है आपको वेरीफाई में, पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू रखेंगे x की, इक्वल्स 0, 8x की जगह पे रख देंगे मल्टीप्लाई में 0, फिर प्लस 4, इसी तरह से 3 ब्रैकेट में x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7, x की जगह पे x की वैल्यू रख दी। अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो 8 × 0 करेंगे तो अपना आंसर होगा 0 प्लस 4, इधर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 1 करेंगे तो 1, 1 में से 0 गया 1, माइनस का बड़ा है तो -1, फिर प्लस 7, अब 3 बन जा 3 करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस में था तो -3 प्लस 7, और इधर 0 प्लस 4 हो जाएगा 4, 4 इक्वल्स माइनस प्लस माइनस कर लेंगे तो 7 - 3 हो जाएगा 4, प्लस का बड़ा है तो प्लस का, तो 4 = 4 ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब
क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 माइनस प्लस में 3। इसमें भी पहले आपको राइट टर्म अलग करना है, यानी कि x वाले पहले अलग कर लेंगे टर्म, तो 2x अपॉन 3 है, अब ये पहले प्लस में है 7x अपॉन 15 तो माइनस में जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1, और इक्वल्स में 3 है तो 3 हो गया, इक्वल्स में 3 बच जाएगा क्योंकि ये 7 अपॉन 15 जो 7x अपॉन 15 है वो प्लस में था, माइनस में चेंज किया, बाकी अपनी जगह पे। अब जैसा देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और फ्रैक्शन में है, तो वही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो होगा 15। अब इसको नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर होगा 5, 5 को न्यूमरेटर यानी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे माइनस है तो माइनस, इसी तरह से 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर होगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर यानी 7x, अब प्लस में 1 पड़ा है तो एज इट इज और इक्वल टू में 3 भी एज इट इज। अब पहले ये सॉल्व कर लेंगे तो 5 टू जा 10, x है तो x माइनस 1 7 जा 7x अपॉन में 15 है इक्वल्स प्लस में 1 इक्वल्स में 3 हो गए, 1 साथ में नहीं लेंगे क्योंकि देख सकते हैं अनलाइक टर्म है तो एज इट इज अपनी जगह पे ही आएगा। अब 10 माइनस 7 कर लेंगे तो अपना आंसर होगा 3x अपॉन 15 इक्वल्स में अब 3, अब ये प्लस में 1 था तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 3 माइनस 1 तो अपना आंसर होगा 2 इक्वल्स 3x अपॉन 15 हो गए। अब जैसा देख सकते हैं 15 डिवाइड में कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 होगा, फिर इक्वल्स टू में 3x तो हो जाएगा 30, 3 अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर लेंगे चेंज, तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे अपना आंसर होगा 10, यानी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 10। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है ये वेरिफिकेशन के लिए आपको यूज़ करनी है, तो वेरिफिकेशन होगा देखें इसका 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस 3, अब पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 10, x इक्वल्स 10 वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे 10 अपॉन में 3 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 7 मल्टीप्लाई x की जगह पे 10 अपॉन 15 प्लस 3 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेन जा 20 अपॉन 3 प्लस 1, इसी तरह से 7 टेन जा 70 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन में कुछ नहीं 1, और यहाँ पर भी 1, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 में 20 बाई 3 और 1 बाय 1 में से 3 और 1 का एलसीएम लेंगे जो होगा 3, फिर इसको नीचे से यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर यानी 20 से, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसी तरह से नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 3 से डिवाइड करेंगे जो होगा 3, 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ 15 और 1 का एलसीएम लेंगे जो होगा 15, उसको नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर यानी 70 प्लस 15 को डिवाइड करेंगे 1 से जो अपना आंसर होगा 15, फिर 15 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 70 प्लस 15 3 हो जाएगा 45 अपॉन में 15, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 बन जा 20 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 3, 20 प्लस 3 करेंगे तो अपना आंसर होगा 23 अपॉन 3, और यहाँ ये प्लस करेंगे 70 प्लस 45 तो अपना आंसर होगा 115 अपॉन 15। अब इसको डिवाइड कर लेंगे दोनों को 3 से तो या 5 से तो 5 3 जा 15, यहाँ 5 से दोनों को ऊपर भी डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर होगा 23 बाय 3, तो जैसा देख सकते हैं दोनों जगह आंसर सेम हो जाएंगे।
यानी कि 23/3 अपॉन में 3 हो गए दोनों तरफ सेम, तो 23/3 इक्वल 23/3 हो जाएगा। तो बेटा आज के आपके टॉपिक यही है, एक्सरसाइज 2.3 आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।